नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह एंड्रॉइड लर्निंग पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम है मरियम असद और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की सेटिंग्स के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक्स को इंस्टॉल करना तो बहुत आसान है, क्योंकि जिस तरह एंड्रॉइड फोन में दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंस्टॉलेशन भी उसी तरह की जा सकती है। सबसे पहले मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स को ओपन करती हूँ। नेविगेट अप के बाद लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रही हूँ। प्रेफर्ड इंजन, ये प्रेफर्ड इंजन वो ऑप्शन है जहाँ से हम मुख्तलिफ TTS जो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं उनमें से किसी एक को सेट कर सकते हैं। डबल टैप करके ओपन करती हूँ। गूगल TTS है ये, ऑटो TTS है, ये ETI Eloquence है। ETI Eloquence के अभी हमें सेटिंग्स करनी है, इसलिए इस पर ही चेक रहने देती हूँ। प्रेफर्ड इंजन के बाद स्वाइप करती हूँ सेटिंग्स। ये प्रेफर्ड इंजन में अगर हमने Eloquence सेट किया है तो Eloquence की सेटिंग्स आएंगी, अगर हमने ऑटो TTS सेलेक्ट किया तो ऑटो TTS की सेटिंग्स आएंगी उसके सामने, अगर हमने उसके अलावा कोई TTS सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके सामने उसी हवाले से सेटिंग्स आएंगी। सबसे पहले है वॉइस प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पर डबल टैप करती हूँ। अब इसमें हमारे पास वॉइसेस हैं, जिस तरह हमने देखा होगा जिन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर यूज किया है और उसमें जॉस प्रोफाइल देखी होगी तो उसमें मुख्तलिफ वॉइसेस होती हैं। इसी तरह इसमें भी हमें मुख्तलिफ वॉइसेस दी हुई हैं, हम सुनते हैं कि कौन कौन सी हैं। रीड हमारी बाय डिफॉल्ट इस पे टिक है, जो हम अभी वॉइस सुन रहे हैं ये रीड है। ये शैली की वॉइस है। रॉको, बार्बी, सैंडी, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, ये ग्रैंडपा की वॉइस है। तो ये कुछ वॉइसेस हैं, हम दोबारा से रीड पर कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन था वॉइस प्रोफाइल का, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वॉइस प्रोफाइल के बाद सबसे पहला ऑप्शन पिच का है और फिर स्पीच रेट का है। पिच यानी जैसे हम कैप्स लॉक पर देखते हैं, वहाँ पर कैपिटल के साथ बोलता है तो ए और सिंपल बोलता है तो ए, तो जो पिच चेंज हो रही होती है वो पिच हमें कितनी रखनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है स्पीच रेट और पिच, ये दोनों ये ऑप्शन नॉट टिक होते हैं, इन्हें हमें टिक करना होता है। ये जो फोर स्पीच रेट बोल रहा है नॉट टिक बोल रहा है, इसको टिक करना होता है, उसके बाद पिच का ऑप्शन हम
ओपन कर सकते हैं। डबल टैप करती हूँ। माइनस थ्री करके देखती हूँ। ये इसकी पिच अब ऐसी हो गई। जीरो पर कर दी तो सेट हो गई वापस। ये था पिच। अब पिच के बाद हम स्पीच रेट को देखते हैं। अब ये जो स्पीच रेट है ये भी नॉट टिक है, इस पर भी टिक लगाना होगा। अब हमने देखा कि स्पीड थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की तेज हो गई है। वॉइस प्रोफाइल, पिच सेटिंग्स, स्पीच रेट सेटिंग्स, इसके बाद अब अगला ऑप्शन देखते हैं। फोर्स वॉल्यूम। अब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी टिक है। अगर ये भी नॉट टिक होता तो ये भी ओपन ना कर सकते हम। इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम 100% कर दिया हमने, यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। General, disabled. अगली हेडिंग है हमारे पास जनरल की। इमोजी स्लैश इमोडोकॉन, यानी कि जहाँ पर इमोजीज वगैरह हमारे मोबाइल में आती हैं या मैसेजेस पर हमें इमोजी सेंड की जाती हैं, तो ये ऑप्शन इसलिए है कि इसे टिक रखेंगे तो उनको वो रीड करेगा। प्रोसेस पंक्चुएशन, इस पर टिक करती हूँ। अब ये पंक्चुएशन का ऑप्शन है, इसे डबल टैप करके ओपन करती हूँ। नन पे भी रख सकते हैं। सम, मोस्ट, ऑल, यानी जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा एट और जितने भी सिंबल्स आ रहे होते हैं वो तमाम के तमाम रीड करे, यानी कि ऑल पर रखना है उसे, सम पर रखना है या मोस्ट पर रखना है या बिल्कुल भी ना रीड करे, तो इसको हम मोस्ट पर रखते हैं। आप इसे अपनी मर्जी से मोस्ट, सम, ऑल या नन किसी पर भी रख सकते हैं। पंक्चुएशन के बाद अगला ऑप्शन है नंबर प्रोसेसिंग। अब ये देखते हैं इसमें क्या है। ये भी नॉट टिक है, इसे टिक करती हूँ। डिजिट्स, पेयर्स, ट्रिपलेट्स। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि डिजिट्स यानी कि एक एक करके किसी भी नंबर को एक एक डिजिट करके रीड करेगा, जैसे 0, 3, 0, 0। पेयर्स में जैसे कहीं पर 2, 2 है, 3, 3 है, तो उसे 2, 2, 3, 3, 86, 98, 11, 22, 33, 66, 64 इस तरह रीड करेगा पेयर्स में। और ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि ट्रिपल ट्रिपल रीड करेगा उसको, जैसे दो दो, पहले दो दो को रीड कर रहा था, अब तीन तीन को रीड करेगा, 332, 444, 666 इस तरह नंबर को रीड करेगा। तो हम कौन सी वाली सेटिंग रखना चाहते हैं कि वो 0, 3, 4, 4 इस तरह अलग अलग रीड करे, या पेयर्स में रीड करे, या ट्रिपलेट्स में रीड करे, तो ये ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एब्रीविएशन, इस पर टिक लगा हुआ है, यानी कि जहाँ पर भी कोई वर्ड होगा ऐसा वर्ड जिसकी एब्रीविएशन लिखी होगी तो उसको वो रीड करेगा। अगर इसे नॉट टिक रखते हैं तो वो एब्रीविएशन नहीं बोलेगा, जैसे कुछ बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं उनकी कुछ एब्रीविएशन होती है, शॉर्ट नेम्स होते हैं उनके, तो उनको रीड करेगा इस पर टिक रखने से। The news agreement, intonation pauses, tick, box, tick.
ये ऑप्शन है इंटोनेशन पॉजेज, इसको टिक ही रहने देंगे। अब एडवांस की हेडिंग है। ये लैंग्वेज सेट करने के लिए ऑप्शन है, इसे टिक कर लिया मैंने। उसके नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम जाकर लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। सैम्पलिंग रेट, इसमें सैम्पलिंग रेट में दो ऑप्शन हैं, 11 kHz, 16 kHz। इन दोनों ऑप्शन से वॉइस पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। 11 kHz पर थोड़ी क्लियर वॉइस थी और 16 kHz पर थोड़ी कम हो गई, लेकिन दबी दबी भी हो गई। ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन, इस पर डबल टैप करती हूँ। बैलेंस पे रखा हुआ है। ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी, अगर इस ऑप्शन पे करूंगी तो क्वालिटी तो वॉइस की अच्छी हो जाएगी लेकिन आवाज भी बहुत कम हो जाएगी। ऑप्टिमाइज फॉर वॉल्यूम, इससे क्वालिटी जो है थोड़ी सी खराब हो गई लेकिन आवाज थोड़ी और तेज हो गई एलिक्वेंस की। दोबारा बैलेंस पर टिक लगा दिया। ये डिक्शनरी है जिसमें हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट यहीं तक था, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।